जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी काफ़ी सारा कंटेंट ओटीटी पर रिलीज होने जा रहा है, जिसकी एक पूरी इन्फॉर्मेशन अब आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा सुन लेना और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अपडेट्स आपको मेरे चैनल पर हमेशा मिलती रहती हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये सिर्फ वीडियो का पार्ट वन है, जहाँ पर अभी तक की कन्फर्म्ड न्यूज़ या अपडेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अभी इस हफ्ते में और कोई इन्फॉर्मेशन या कन्फर्मेशन आएंगी तो वो भी मैं अपने आने वाले वीडियोस में कवर कर दूंगा। तो अभी इस पार्ट वन वीडियो को एंजॉय कीजिए, जब तक मैं पार्ट टू वीडियो में कुछ नई अपडेट्स आपके लिए लेकर आता हूँ। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू, और सबसे पहले बात कर लेते हैं 6 नवंबर तक की हो चुकी रिलीजेस की। तो दोस्तों वलाथी टेल्स ऑफ टेल्स, ये एक इंडियन मलयाली लैंग्वेज एडवेंचर रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे अब डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे दोस्तों हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगू और कन्नड़ा इन सभी लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया है। और इसका नाम है वलाथी टेल ऑफ टेल्स। इसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक इंडियन सीरीज़ है, जो कि एक साउथ इंडियन सीरीज़ है और अब हिंदी डब लैंग्वेज में रिलीज़ हो चुकी है। इसके अलावा यू हर्ट माई फीलिंग्स, ये एक आर रेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे दोस्तों अब परचेज और रेंट पर रिलीज़ कर दिया गया है हिंदी और इंग्लिश में अमेजॉन प्राइम स्टोर पर। और इसी के साथ द रैथ ऑफ बेकी पार्ट 2, ये एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जो फिलहाल परचेज रेंटल पे 99 रुपीज़ पे हिंदी और इंग्लिश में अमेजॉन प्राइम स्टोर पे रिलीज़ हो चुकी है। और मैं ये भी बता दूं कि द रैथ ऑफ बेकी का पार्ट 1 हिंदी डब लैंग्वेज में ऑलरेडी अमेजॉन प्राइम के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। इसी के साथ दोस्तों आत्मा पेम्फलेट, ये एक मराठी मूवी है सोशल मैसेज गिविंग, जिसे फिलहाल मराठी लैंग्वेज में Z5 के प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ कर दिया गया है। वहीं दोस्तों लेस देन ईविल, ये एक MBC ओरिजिनल साउथ कोरियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा सीरीज़ है, जिसे फिलहाल हिंदी और कोरियन दोनों ही लैंग्वेजेस में दोस्तों प्लेफ्लिक्स की ऐप पे रिलीज़ किया जा चुका है। और इसी के साथ एंटर द वर्ल्ड ऑफ 6 हार्ट वार्मिंग स्टोरीज़, यानी कि रेनबो रिश्ता, जो कि आपको 7 कहानियाँ दिखाने वाला है कुछ रोमांटिक, ये एक नई सीरीज़ है जिसे रिलीज़ किया जा रहा है अमेजॉन प्राइम के प्लेटफॉर्म पे, और इसे 7 नवंबर से रिलीज़ किया जाएगा। और वहीं द विंटर किंग, ये एक नई एक्शन थ्रिलर सीरीज़ है, जिसे दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में सोनी लिव के प्लेटफॉर्म पे 7 नवंबर से रिलीज़ किया जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब 8 नवंबर की तरफ, तो एक नई कोरियन सीरीज़ जिसका नाम है विजिलेंटे, इसे दोस्तों रिलीज़ किया जा रहा है डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे कोरियन लैंग्वेजेस के साथ, और हो सकता है इसे इंग्लिश में भी रिलीज़ किया जाए, लेकिन हिंदी डब में ये नहीं आएगी। लेकिन ये एक नई कोरियन सीरीज़ है, जो कि एक एक्शन ड्रामा है, जो अब आपको 8 नवंबर से डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। और बात करूँ अगर 9 नवंबर की, तो बड़ा रिलीज़ होने जा रहा है दोस्तों मस्ताने मूवी का। मस्ताने एक पंजाबी हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा मूवी है, जो कि नादर शाह के साथ सिख जवानों की एक लड़ाई की आपको कहानी बताएगी। और मस्ताने मूवी दोस्तों रिलीज़ होगी 9 नवंबर को चौपाल TV के प्लेटफॉर्म पे, जिसको लीड में आपको तरसेम जस्सर नज़र आने वाले हैं। दोस्तों अब बात करूं 10 नवंबर की रिलीजेस की, तो बड़ा रिलीज़ होने जा रहा है दोस्तों द किलर मूवी का। किलर एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल अमेरिकन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जो कि नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे हिंदी, तमिल, तेलुगू और इंग्लिश सभी लैंग्वेजेस में 10 नवंबर से रिलीज़ हो जाएगी। और दोस्तों ये एक नॉवल के बेस्ड स्टोरी है, लेकिन इसके अंदर आपको ढेर सारा एक्शन और सस्पेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो 7.5 की है। इसी के साथ दोस्तों एक नई सीरीज़ जिसका नाम है लेबल, इसे दोस्तों डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज़ किया जाएगा, जो एक मिस्ट्री ड्रामा मूवी है, जहां आपको काफ़ी सारे सस्पिशियस एक्टिविटीज़ और क्राइम्स होते हुए नज़र आएंगे और उनकी इन्वेस्टिगेशन नज़र आएगी। और लेबल सीरीज़ को दोस्तों रिलीज़ किया जाएगा डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, मराठी और बंगाली सभी लैंग्वेजेस में, लेकिन ओरिजिनली एक्चुअली ये एक तमिल सीरीज़ है। वहीं दोस्तों इसी के साथ रिलीज़ हो जाएगा OTT रिलीज़ होगा घूमर मूवी का। घूमर, जिसकी लीड में सयामी खेर और अभिषेक बच्चन और शबाना आज़मी, मूवी दोस्तों OTT प्रीमियर करने जा रही है। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा कमिंग ऑफ एज मूवी है, जो कहानी आपको एक ऐसी लेडी की दिखाएगी जो बॉलर है लेकिन अपना हाथ खो चुकी है, और किस तरीके से वो वापसी करती है स्पोर्ट्स में, ये आपको घूमर मूवी में देखने को मिलेगा, जो कि Z5 के प्लेटफॉर्म पे 10 नवंबर को अपना OTT प्रीमियर करेगी।
इसी के साथ एक और मूवी जो सीधा OTT प्रीमियर करने जा रही है, उसका नाम है पीपा। पीपा एक वॉर ड्रामा मूवी है दोस्तों, जिसकी लीड में ईशान खट्टर और मृणाल ठाकुर आपको देखने को मिलेंगे। और पहले तो इस मूवी को दोस्तों रिलीज़ किया जाना था सिनेमाज में डायरेक्टली, लेकिन अब सिनेमाज को स्किप करके इसको डायरेक्ट OTT रिलीज़ किया गया है और Amazon प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पे पीपा मूवी आपको दोस्तों 10th नवंबर से देखने को मिलेगी, यानी 9th नवंबर की रात 12 बजे से इसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों पर्णशवीर शाप ये एक बंगाली सीरीज़ है जो हॉयचॉय के ऐप पे रिलीज़ होगी 10th नवंबर को, और तरोकार मृत्यु ये एक बंगाली मूवी है जो अड्डा टाइम्स के प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होगी 10th ऑफ नवंबर को। वहीं दोस्तों द रोड मूवी ये एक नई क्राइम ड्रामा मूवी है जिसे तमिल लैंग्वेज में आहा वीडियो के प्लेटफॉर्म पे 10th नवंबर से रिलीज़ किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों फैमिली सर्कस ये एक गुजराती कॉमेडी ड्रामा मूवी है जो जोजो की ऐप पे दोस्तों 11th ऑफ नवंबर से रिलीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों ये पार्ट वन का कन्फर्म्ड कॉन्टेंट जो रिलीज़ होने जा रहा है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, लेकिन इंतज़ार करना मेरे आने वाले वीडियोज़ का, क्योंकि अभी काफ़ी सारे कॉन्टेंट की अनाउंसमेंट होने जा रही है जो मैं अगले पार्ट टू वीडियो में कवर कर दूंगा। और इसी के साथ जो भी सिनेमा रिलीज़ है इस वीक की वो भी आपको उसी वीडियो में मिल जाएंगी। तो दोस्तों चैनल पे सब्सक्राइब रहोगे तो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी, इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो वहाँ मुझसे मैसेज भी कर सकते हो, बात भी कर सकते हो, और टेलीग्राम तो मेरा है ही जहाँ पर मैं आपको सबकी मदद करता रहता हूँ। इन सभी के लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल के पेज पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था एक क्विक वीडियो, अंटिल आई गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।